हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुहेल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुहेल की दुनिया। किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा। सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, आप यस होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं कुर्ला मंगलम ज्वेलर्स की दुकान एंड जस्ट उसके बाजू में प्रीतम ज्वेलर्स की दुकान है, तो दोनों विजिट करेंगे हम। तो ये दुकान आपको कुर्ला वेस्ट में मिल जाएगी, कुर्ला स्टेशन के आप निकलेंगे जस्ट, एंड एड्रेस किसी से भी पूछेंगे प्रीतम ज्वेलर्स एंड मंगलम ज्वेलर्स के, आपको पता चल जाएगा। एंड आपको नहीं पता होगा एड्रेस अगर पूछने पे, नहीं तो ये एड्रेस आपको इसी एड्रेस पे जाने का पूछ के जो इधर लिख के आ रहा होगा, एंड डिस्कशन में भी आपको एड्रेस मिल जाएगा, वहां से भी चेक आउट कर वहां पर विजिट कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे वहां पर कैसे सोने का रेट है, क्या क्या चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, रिंग हार एंड एवरीथिंग जैसे भी आपको रहेगा हम आपको बताएंगे। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आई रिक्वेस्ट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन का बटन दिया हुआ उसको दबा के ऑल पे क्लिक करें कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फाइनली मैंने रिक्शा ले लिया है, तो और ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में मतलब अपने घर से कुर्ला रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शा लिया है। मेरे घर से 75 या 80 तक मीटर जाता है और मेरे घर वाले लेते रहते हैं मेरे अम्मी अब्बू, बट मैं कभी नहीं लिया हूँ बिकॉज मुझे स्ट्रगल करना ज़्यादा पसंद है। मुझे बस और ट्रेन से जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा पैसा बच जाता है। मेरे पास पैसा रहेगा फिर भी जाऊँगा मैं बस से ही, ट्रेनों से ही जाऊँगा। स्ट्रगल मैक लाइफ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रगल इज अदर नेम फॉर लाइफ, इसलिए मुझे स्ट्रगल करना ज़्यादा पसंद है। तो फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। तो अभी हम कुर्ला पहुंच चुके हैं और थोड़ा आगे मैं वीडियो शूट नहीं किया तो बता रहा हूँ एड्रेस में आपको, सीधा आपको स्टेशन से निकलने का वेस्ट साइड में और सीधा आने का, देन आपको लेफ्ट लेने का एंड सीधा सीधा जाने का आपको जामा मस्जिद किसी से पूछेंगे मिल जाएगा वहीं पर आसपास में है। सो सी दिस मंगलम ज्वेलर्स शोरूम, सो अभी हम इसके अंदर जाते हैं एंड देन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एंड जो भी रहेगा आपको हम देंगे। चलो फिर अंदर चलते हैं। सो गाइस, सी दिस इयररिंग्स एंड रिंग्स। रिंग्स पे किसी किसी पे व्हाइट गोल्ड लगा हुआ है, जो कि व्हाइट गोल्ड का रेट कंपेयर टू गोल्ड से काफी हाई रहता है। एंड सी दिस प्योर गोल्ड रिंग्स एंड इसके बाजू में ये टीका है, आई थिंक आई डोंट नो क्या है बट टीका ही लग रहा है। एंड इसके बाजू में ये ब्रेसलेट है जो कि इसमें भी व्हाइट गोल्ड मिक्स है, व्हाइट गोल्ड का दाम थोड़ा ज्यादा ही रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया। सो इधर देखिए कड़ा, इस पे भी व्हाइट गोल्ड लगा है किसी किसी पे, जिस पे व्हाइट गोल्ड लगा रहता है वो ज्यादा ही प्यारा लगता है, इसलिए इसके दाम ज्यादा हाई है। से दोनों मिक्स रहता है, व्हाइट एंड गोल्डन दोनों मिक्स रहता है तो ज्यादा ही खूबसूरत लगता है, ज्यादा यूनिक ही दिखता है वो, बट जो उसी प्योर गोल्ड रहता है वो उतना प्यारा नहीं लगता है। एंड इधर देखिए ये पूरा नेकलेस, ये इसको चॉपर बोलते हैं, जो कि 2.5 तोले से नीचे भी बनता है बट 2.5 तोले 1 तोले में भी बनता है वो, लेकिन वो कमजोर रहता है। एंड जो 3 तोले से 4 तोले में बनता है वो काफी अलग दिखता है, काफी मजबूत रहता है। गोल्ड प्राइसेस टुडे इन मुंबई इज 54,15,000 पर ग्राम, 422 कैरेट, वेल 424 कैरेट ऑल्सो कॉल 999। गोल्ड प्राइसेस इज एट 59,07 पर ग्राम 1,000 टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस। सो ये थे मंगलम ज्वेलर्स के ज्वेलरी एंड अब हम चलते हैं प्रीतम ज्वेलर्स के इधर। Emotion
कॉफी भी गाइस ये वाला देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, आपको मिल जाएगा कितने ग्राम में 2.89 ऐसे कुछ है। और ये देखिए गाइस, ये लेडीज का है, यहाँ पर जैसे कि शादी हो तो अपनी दुल्हन को ये दे सकते हैं गिफ्ट में। और ये डायमंड में है और आपको ये वाइट डायमंड में मिलेगा, जैसे कि डायमंड है नहीं पेवर, इसको वाइट सोना बोलते हैं हिसाब से। और आप अगर आप जिसकी नई नई शादी हो तो यहाँ से देख सकते हैं, कुछ नई डिजाइन में है, लाल पीली हरी। चौकर इसको बोलते हैं, छोटा चौकर बड़ा चौकर इसको, और ऊपर वाला भी वही सेम है। ये छोटा वाला जो आपको है ये सिर्फ हाई तोले का है, और नीचे वाला है ये तोले का है ना। सो गाइस, प्रीतम ज्वेलर का शोरूम ये जुमा मस्जिद के सामने जस्ट है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।